हैं दिन भर। पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह द्वारा पीटीएस गोरखपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 300 मुख्य आरक्षियों को यातायात और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। इस दौरान मैपल ऐप के बारे में भी उनको जानकारी दी गई। मुख्य आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बताया गया कि पुलिस कर्मियों को सड़क पर रहकर स्वयं की सुरक्षा कैसी करें और दुर्घटना के समय किस तरह से अपने आप को सहज महसूस करें, इसी के तहत योग कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। जब जनता का चालान करेंगे तो जनता आपका भी चालान करेगी या करवाएगी। उसने अगर फोटो आपका डाल दिया ट्विटर पे तो वो वही गया। इस जनपद में ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे चालान हुए हैं और ट्विटर के माध्यम से चालान करना है फॉल्टी इंजीनियरिंग, सड़क की खराब बनावट, सड़क पर प्रॉपर साइन ना लगे होना। जैसे आगे बच्चों का स्कूल है तो उससे पहले साइनेज लगा होना चाहिए। लगे हैं यद्यपि परंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं लगेगी। प्रत्येक विद्यालय के आगे ही लगे हों, अंदर के शहरों पर नहीं लगे हुए। शहर के अंदर तो इतने सारे स्कूल हैं पर कहीं साइनेज नहीं लगा हुआ है। ये नगर निगम की PWD की या जिसकी वो खड़ा था उस विभाग की जिम्मेदारी है प्रॉपर साइनेज लगाए। हर प्रकार का साइनेज शहर के अंदर कहीं नहीं है कि तीन मोड़ है, गली है, धीरे चलिए, स्टॉप। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया, आज पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षणरत पुलिस कर्मी और यातायात के पुलिस कर्मियों के लिए संयुक्त रूप से ट्रैफिक अवेयरनेस के संबंध में उनके लिए बताया गया कि पुलिस कर्मी के लिए ड्यूटी के दौरान जनता के प्रति व्यवहार अपना किस तरीके से संयत व्यवहार, मानवीय व्यवहार और यातायात पुलिस को फैसिलिटेटर की भूमिका में, एक दोस्त की भूमिका में कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यातायात जागरूकता के बारे में उनके लिए बताया कि सबसे पहले स्वयं अच्छी वर्दी पहने, हेलमेट लगाएं और स्वयं ट्रैफिक रूल्स का पालन करके जनता के सामने एक आदर्श और उत्कृष्ट पुलिसकर्मी का उदाहरण प्रस्तुत करें। इससे जहां आपकी छवि अच्छी होगी, वहीं हेलमेट लगाने से आपको कभी कोई हेड इंजरी नहीं आएगी और आपके लाइफ के लिए खतरा नहीं होगा और दुर्घटना से आप बचे रहेंगे। इसी के साथ साथ उनके लिए योगा का प्रशिक्षण भी साथ में दिया गया और उनको बताया गया कि उत्तम स्वास्थ्य आप स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए जो अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करते हैं, वो स्वास्थ्य का संबंध सीधे सीधे यातायात से है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा खाओ, कितनी भी एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, हेल्थ का ध्यान रखो, पर अगर आप सड़क पर चलते समय सुरक्षा मानकों की अनदेखी करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेकार है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए यातायात नियमों का पालन बहुत जरूरी है और एक पुलिसकर्मी से एक उत्कृष्ट आचरण की अपेक्षा है। इसी के संबंध में यातायात कर्मियों के लिए और PTS में प्रशिक्षणरत हेड कांस्टेबल कोर्स के प्रशिक्षुओं के लिए उक्त सभी यातायात सुरक्षा संबंधी